कम तकरीबन कितने का होगा? होगा ये कोई 40-45 लाख का। तुझे 40 का लगता है? लो जी माई को पता है, तू बता। तूने खरीदना? और खरीदूं या ना खरीदूं, मूल्य तो लगवाऊंगा। तेरे बाप का माल है, मूल्य लगवाऊंगा। ओए 1/3 का हिस्सा है भागा, पूरा 1/3 का। 45 का हुआ तो 15, 60 का हुआ तो 20। ये 20 क्या है? 20 हमारा है जानो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब मैं कारोबार ना करूं? घर बेच के कारोबार करोगे? नहीं, घर बेचना जरूरी नहीं है। जीजा जी से कहूंगा घर का मूल्य लगवाओ और हमारा हिस्सा हमारे हाथ पड़ाओ। घर मेरे नाम है कमीने। और मैंने पता करा लिया है माई, जीजा जी ने झूठा कागज लिख के दिया था तुझे, बस ऐवी तेरा दिमाग सेट करने के लिए। तेरे जीजा जी की ऐसी की तैसी। देख मारुख, अपनी माँ को समझा, ऐवी शरई मामले में इंटरफेयर ना करे। आज ही मौलवी साहब को बुला के लाऊंगा मैं, उनके सामने बात हो जाएगी। मैंने तो बैठ के साफ भी कर लिया, माई का 1/8 निकाल के, सिस्टर का 1/8 निकाल के, बाकी का 1/3 हमारा। रंगू, मैं अपना 1/8 भी तुझे दे दूंगी। और सिस्टर से कुछ सीख माई, अपना 1/8 भी अपनी बेटी को दे दे। गोली ना मार दूं तुझे। माई मुझे डराना? डराऊंगी तो मैं तुझे, और ऐसा डराऊंगी कि समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। लगता है तुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तुझे तलाक चाहिए। हाँ मैंने तलाक लेनी है, दे तलाक। वे 4 पैसों की खातिर अपना स्वास उजाड़ लेगी? 2 टके के स्वास के लिए 4 पैसे बचाऊंगी। लो जी इस पे तो सीधा सीधा केस बनता। पहला केस आशना के साथ मिलके साजिश करने का, दूसरा केस शरई हकूक पे डाका डालने का। तू और तेरे अब्बा जी तो हो गए अंदर, साथ में अंदर होगी ये माई बलकीस। इस पे तो धमकियां लगाने की भी दफा लगेगी। आई एम सॉरी सिस्टर, मैं अब जीजा जी को नहीं बचा सकता। ये आशना वाली बात क्या की तुमने? और जब अदालत में वकील ये सवाल पूछेगा तो उसका भी कलर पकड़ेगी क्या? हाँ मैंने तो लिख के दे देना कि शादी से पहले ये किसी के साथ खराब थी, और अब उसके साथ मिलके मुझे भी खराब कर। शुक्र करो कि अभी तो सिर्फ घर में हिस्सा मांग रहा है, स्टोर का जिक्र नहीं किया उसने। ये अब्बा जी कहाँ हैं? अब्बा जी ना कह, पूछ इसके जीजा जी कहाँ हैं। जानू के लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेने के लिए रात कोठे पे गुजार के आया, तो दलीलें ना दे मुझे। भाई का नाम बता। क्या हो? कल मैं जाऊंगा वहां। कहां से आया तू? किसी काम से गया था। किस काम? सोकर उठकर बता देना। सोने कौन देगा तुझे? उठ बैठ और बता मुझे। गाना सुनने गया था। अब एक गाना सवेर तक सुनता रहा।
तो एक बारी बैकर झूठ ना बोल मेरे साथ। या मेरे बादशाह, मीटर ना खराब कर मेरा। ना कर परी पैकर, पहले वजाहत पेश कर फिर सोने दूंगा। सच सच बता, गाना कब खत्म हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ? शक कर रहा मुझ पर? यकीन कर रहा हूं मेरे बादशाह, शक में तू डाल मुझे। परी पैकर से बात कर रहा तू? अगर के सामने भी बैठ जाऊं ना, मैं नहीं पिघल सकता। रात कोठे पे गुजार के आया तो दलीलें ना दे मुझे। भाई का नाम बता। क्यों? कल मैं जाऊंगा वहां, देखूंगा वो कौन है जिसका गाना तुझे हजम नहीं होता। वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? तेरे अलावा सबसे पर्दा करती है वो। बात जो कही है उसको सुन और सुन के मन जा मेरे बादशाह। जब कह दिया वहां कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। आज के बाद तू भी नहीं जाएगा। हुक्म नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ना किसी रात का गुजारा है साहब, देते देते मर जाएगा तू। खबर पहुंच गई है उस तक, जो रात तूने वहां गुजारी है उसकी सुबह उसने नमाज पढ़ी है। डर मेरे बादशाह, से उसने क्या कह दिया। पता है बुआ, मोहब्बत के अम्मा बाबा आदम खोर हुआ करते थे। क्या बकरी हो और नहीं तो क्या, कमबख्त दिल का सारा खून पी जाती है। अब पता चला कि ससियां सूनिया मर क्यों जाती थी। क्यों मर जाती थी? अरे बुआ, किसी पर मर जाने से तो शुरू होती है मोहब्बत, गोया के जिंदा लोगों का काम ही नहीं है। देखो मरहूमा, एक बार मरने को कहते हैं मरना, पर ये मोहब्बत कमीनी रोज मारती। तो लाडली, मैं तुम्हारी कब्र पर फूल रखने के बाद कहूंगी। जीती रहो पन्ना। साल पहले जेवर के डब्बे में रखा एक खत पढ़ा था मैंने, तारीख भी लिखी थी उस पर, 17 जून 1974। खत किसी मुराद मिर्जा ने लिखा था, प्यारी महताब के नाम। प्यारी मेहताब को तो मैं जानती हूँ।
محبت کا نام نفرت رکھ دیا ہے دونوں نے. محبت تو نبھائی نہیں گئی, نفرت پوری ایمانداری سے نبھائی جا رہی ہے. وہ صبح 7 بجے آیا میاں جی, رات کوٹھے پر گزاری ہے اس نے. ناشتہ تو کرنے دے. اس نے بھی رات کا کچھ نہیں کھایا. کس نے؟ جس کو محبت نہیں ہے اس سے. بات کرنا اس سے, اٹھے ہاتھ کی چپیڑ مار اس کے منہ پر. میری چپیڑ میں علاج نہیں ہے اس کا. کوئی اس کو جا کر کہے, وہ جائے وہ مارے چپیڑ, میں ماروں گا تو کہے گا میاں جی ایک اور مارو, ایک اور ماروں گا تو میرے ہاتھ میں پیڑ ہوتی رہے گی. دیکھو آرس علی, پہلے تو کوٹھے پر جانا ہی برا ہے, پر ایک ہی کوٹھے پر دوسری بار جانا بہت برا ہے. دوسری بار تو وہاں پوری رات گزاری ہے اس نے. لگتا ہے تم دونوں نے ناشتہ نہیں کرنے دینا مجھے. تجھے تو ناشتے کی پڑی ہے. میرے سامنے مشکل پڑی ہے. محبت کا نام نفرت رکھ دیا ہے دونوں نے. محبت تو نبھائی نہیں گئی, نفرت پوری ایمانداری سے نبھائی جا رہی ہے. توبہ کہاں گئی؟ اماں وہ کمینہ تو سچ مچ مولوی صاحب کو لے کے آگے ہے. یہ تم کیا کر رہی ہو؟ احمد کے پاس جا رہی ہوں. کیوں اب اچانک مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ میں یہاں رہوں بھی تو تو اکیلی ہے بیٹا, لیکن اگر میں احمد کے پاس سیدھے جاؤں گی تو وہ اکیلا نہیں رہے گا. فاطمہ سے بات ہوئی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ اب مجھے یاد کر کے رونے لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس گھر کے بکھیڑے سن سن کر میں مر جاؤں گی. میں مر گئی ہوں میری لاڈلی, لیکن میں احمد کے لیے جینا چاہتی ہوں. تو بھی اب سہاروں کے بغیر جینا سیکھ لے, سمجھ کے تیرا باپ سر پہ ہے نا تیری ماں. اگر تجھے اس رنگوں سے لڑ کر جیتنا ہے جیت کے دکھا مجھے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, لوہا بن, ورنہ میری طرح ماری جائے گی. اسٹور سے آئے تو بتا دینا اسے, خوشخبری دے دینا اسے کہ میں تو گئی, اب پہنچ کرے ناچ دکھائے. Don't believe. I don't believe. I also don't believe.
ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो हथेली पे चुने रहते हैं, मुझ पे उतरे मेरे अंगारों की बारिश बन कर। मुझ पे उतरे मेरे अंगारों की बारिश। ये लो मौलवी साहब, अपन नंबर चार, अपने हाथों से बनाइए मैंने। पर मुझे ये तो बताओ, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? वो बताता हूँ मौलवी साहब, पहले आप जाकर घुट तो पियो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम, कहीं जा रहे हो बेटा? जी, अपने अहमद से मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा तुझे मिलकर लगा कि मेरा फरमान अली बहुत मासूम है, और लगा कि जब भी किसी शौहर ने बीवी पर जुल्म किया है तो जैसी स्वीटी के भरोसे पर किया है। और डायलॉग बोल के गई है, जवाब दे उसे। जो चली जाए वो जवाब लेकर जाती है, तो समझो जवाब मिल गया उसे। अच्छा ये बताओ मौली साहब कि ये घर कितने का होगा? मैं कोई मकानों की कीमतें लगाता हूँ? मेरा मतलब है कि इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा, साफ साफ बताओ। शरई हुक्म क्या है? शरई हुक्म से तो तुम्हारा हिस्सा एक रुपया नहीं बनता, मारूफ का बनता है, अहमद के हिस्से का एक बता दो। उसी की बात कर रहा हूँ मौली साहब, जिसका हिसाब लगाओ तो एक बटा तीन बनता है। हाँ जी, तो इसके अब्बा जी को फतवा दो ना। किस बात का फतवा? ओके, बेटी का हिस्सा उसके हवाले कर दे। मौली साहब आप चाय पी कर जाए, अबा जान आएंगे तो आपको फिर से जहमत दूंगी, फिर आके बताइएगा इसका हिस्सा कितना बनता है। तुझे कितनी बार कहा है मारूख कि शरई मामला में मत बोला कर, खुदा नाराज होता है। खुदा इस बात पे नाराज नहीं होगा, शरई बात कर रही है। और फतवा ये है, दामाद के पास ससुराल से बीवी का हिस्सा मांगने का हक नहीं होता। लो जी, मौलवी साहब तो चाय पी के थुक गए मेरे मुंह। अभी तो मौलवी साहब ने थूका है, अब मैं थूकूंगी। तुझे तो मैं बर्बाद ना कर दूं, तो मेरा नाम मारुख नहीं। ये तो डरा के गई है मुझे। तो तेरे पास भी तो मौका है, तू भी डरा दे उसे। दरवाजा बंद कर और लगा दे फेंटी।
और देख ले सिस्टर, मासूम सी लड़की है, ऐवी मर मर आना चाहे। ओ मर मर आ गई तो उसमें तेरा क्या नुकसान है, एक जाएगी तो दूसरी तैयार। अच्छा मुंह बंद है ना मैंने इसका, तो बंद देना। चल गिन 100 तक गिनती। और जाकर चपेट ही मार दे। कल को इस बात का पता चला तो इस बात पर भी तड़पेगी वो। मुझे लगा मियाँ जी के टूटे हुए रिश्ते में भी तड़का बाकी रह जाता है। समझो तो आखिरी बार हक जताया है मैंने। बुरा किया है, खबर निकली तो तेरे उस मुकरम डिंगे तक नहीं पहुंचेगी। पता नहीं क्या कहे और क्या पूछ ले। क्या पूछेगा? चपेट मारने से हाथ गालों से छू जाते हैं और नामहरम को छूने का हिसाब देना पड़ता है। चुप करके चपेट खा ली, आगे से कुछ बोला भी था? कुछ नहीं बोला। बोलेगा क्या? शराब पिएगा, कोठे पे जाएगा तो चपेट खा के आगे से क्या बोलेगा? मैं तो कहती हूँ मियाँ जी बारी बारी सब मारो। वो आराम से बैठ, इतना भी सादा नहीं है वो कि चपेटे खाता जाएगा और मारने वाले को थैंक यू बोलता जाएगा। तेरा भी बस पर हमें वारिस ली, वरना वो तेरी टके की इज्जत नहीं करता। ओए तू चुप करके बैठ जा, तसे से मुझे गुस्सा ना चढ़ा। ओए मैंने देख लिया है जितना गुस्सा चढ़ता है तुझे, बैठ जा आराम से। फूके मारने से हनेरी नहीं आती। मेरी फिरकी घूम रही है तरसेम सिंह। अब घूम रही है तो घूम के खलो हो जाएगी। बड़ी ना सपाटी कर ली है तुमने, बस तशरीफ रख। जा पुत्री पानी पिला इसको। मैंने नहीं पीना पानी। चल शरबत पिला दे। और मैंने शरबत भी नहीं पीना। तो क्या करना है? अभी बताता हूँ। अभी देख मियाँ जी बार असली चीज क्या है। गुस्सा पी गया हूँ तो ये मतलब नहीं है कि गुस्सा पी जाने से हजम हो जाता है। बरसों से खून खोल रहा है बेटा, अब मुलाजा फरमा। देख मैं मोहल्ले में एक कचरा भी नहीं रहने दूंगा। अब देखना क्या होता है। इसको गुस्सा चढ़ा आके बड़े बड़े लड़कों को कुट पड़वाया करता था मैं। चलो नाश्ता शुरू करो, बड़ी भूख लगी है मुझे। चल चाय गर्म कर मेरा पुत्री, बाबा गया है। 5 मिनट के बाद गुड न्यूज भी आएगी। तू बाबा 100 फुट दूर रहने के ऑर्डर थे।
आके मार गई ना चपेड़। जहां सरेंडर किया हो वहां ऑर्डर नहीं चलते मेरे बादशाह। अब कूड़ा कमाल के क्यों बैठा है? बड़ी नींद आ रही थी ना तुझे? सो मेरे बादशाह, गाने के बोल याद कर, घुंघरू बजने की आवाज को महसूस कर और लंबी तान के सो जा। एक शराबी कबाबी आदमी को एक नाजुक सी लड़की की चपेट क्या कहती है? शट अप यार, डर उस वक्त से जब खबर सुनकर मियां जी आ गए या फिर वो आ गई। उसके लिए अब ये प्रोबिडेट एरिया है मेरे बादशाह। दस फुट दूर रहने का ऑर्डर है उसके लिए। तू बहुत 100 फुट दूर रहने के ऑर्डर थे। आके मार गई ना चपेड़। जहां सरेंडर किया हो वहां ऑर्डर नहीं चलते मेरे बादशाह। मियां जी, मियाँ जी, वारिस अली, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। चल शराबिया, चौक में चल। ये क्या कर रहे हो मियाँ जी? चाहे मेरी जान ले लो पर मुझसे मेरा मान न लो। तू भी मेरी जान ले ले पुत्री पर मुझसे मेरा मान न ले। भगाने मुल्क से आकर वो कमीना मेरी बिजती कर रहा है। तेरी खबरें पहुंचती हैं तो वो हंसता है मुझ पर। मैं रोता हूँ पर उसे रोकर नहीं दिखाता कि कहीं वो ये ना समझे कि वारिस अली ज़ैनब के अलावा भी किसी को रोता है। और तू शराबिया, मौका देकर शराब भी पी आया और रात कोठे पर भी गुजार रहा है। जमीन पर बैठ जा। बैठ जा तो माई बात। बेटा देखो सिखा, जमीन पर बिठा दिया इस कमीने परी पैकर को। अब देख कार्रवाई शुरू होने वाली है।
है। चल बताओ शराबिया, तेरे साथ क्या सलूक करूं? जो मर्जी कर लो माई, पर जरा एहतियात। पूरा मोहल्ला देख रहा। इंसल्ट हो रही है? इंसल्ट तो हो रही है मिया जी। आ गया, आपकी मर्जी। बेंच पर बैठ। अब ठीक है पुत्री? ये क्या कर रहे हो मियाँ जी? चाहे मेरी जान ले लो, पर मुझसे मेरा मान न लो। तू भी मेरी जान ले ले पुत्री, पर मुझसे मेरा मान न ले। उतना बुरा काम कर जिसको करके तुझे शर्म आए, मुझे ही शर्म ना आए। मुझे माफ कर दूंगी, कर दूंगा। यहां से जा सीधा उसके दरवाजे पर, कल परसों जो किया है उसकी माफी मांग उससे। कबीबी ने तेरे लिए सवेर की नमाज पढ़ी है, फौरन सवाब पहुंचा दे उसको, वरना मैं यहीं बैठा हूं। तरसेम सिंह के कहने पर भी नहीं उठूंगा। ख्वाब फलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब फलकों की हथेली पे चुने रहते हैं। कौन जाने वो पे चुने रहते हैं, मुझ पे उतरे मेरे अल्हाम की बारिश बनी। जा सौरी दिया, वो चला गया है। देखा, वो वापस आ गया है।
ان سے کہو اب زمین سے اٹھ جا. میں جا رہا ہوں اس کے گھر. اس سے کہہ دو معافی مل گئی تو اٹھ جاؤں گا. لے دس میری بات سنو میاں جی, معافی مانگنے والی شرط رکھو, معافی ملنے والی شرط نہ رکھو. ویسا تو آپ بڑے سیانے بیانے, پر یہ بھی تو سوچو معافی دینی کس نے. اسے کہہ دو ترسیم سنگھ شرط نہیں بدلنی میں نے. تو پھر بیٹھے رہنا ہے آپ نے زمین کے اوپر. انشاءاللہ گیا ہے. پہلے اس نے صرف معافی مانگنی تھی, اب دیکھنا ترلا بھی کرے گا. یو نو ترسیم سنگھ, بندہ جب معافی مانگے تو ساتھ ترلا کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, ورنہ معافی کا امپیکٹ نہیں ہوتا. ہاں جی. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. لیکن جاؤ یہاں سے. کیوں میں جاؤں؟ ارے وہ بہت غصے میں ہے, مار ڈالے گی تمہیں. پھر مار ڈالے گی؟ جا بلاؤ اسے, کہہ کے آ کے مار دے, پھر مار دے. تم سمجھ نہیں رہے ہو پری پیکر, اسے پتا چل گیا کہ تم نے شراب پی تھی, کسی کے کوٹھے پر بھی گئے. اسی بات کی معافی مانگنے آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے نہیں ہو سکتا, دیکھو میں بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوں, اسے کہو میرے سامنے آئے. وہ نہیں آئے گی. تو پھر میں ٹلی بجاتا رہوں گا. وہ پھر بھی نہیں آئے گی. اسے کہو باہر کوئی مانگنے والا ہے. وہ مجھ سے کہے گی کہ جاؤ اسے جا کر کچھ پیسے دے دو. اسے کہو بار معافی مانگنے والا ہے. معافی کا تو سوچو بھی مت, نہیں ملے گی. یعنی کہ ساری باتوں کے جواب تو ہی دے گی. جا اس کے ساتھ جا کر کنسلٹ تو کر, بول کے ٹیمپری معاف کر دے. یہ والا وقت گزار دے میرا. لگتا ہے تم نے ابھی بھی پی رکھی ہے. دیکھ کوثر, بہن بن, ڈین نہ بن, ہٹ, ملاقات ضروری ہے اس سے. جاؤ کوثر, جا کر میاں جی کو بلا کر لاؤ. جاؤ. رک, میاں جی نہیں آ سکتے, اور اگر آ بھی جائے تو کیا توپ کا گولا مار. گڈ مارننگ. اس کو اندر کس نے آنے دیا؟ اس طرح کا ایک سوال میرے پاس بھی ہے. یہاں اس دل میں رہتی ہو آپ, بغیر اطلاع کے بغیر دستک دیے آئی ہو آپ. آپ کو کس نے اندر آنے دی؟ Shut up and get lost. نکلا سے. تو آپ بھی یہاں سے نکلو نا. ساڑھے پندرہ سال سے پورا دل مل کے بیٹھی ہو, نہ جاتی ہو نہ کسی کو آنے دیتی. شانی قبضہ ہی کر لیا آپ نے.
आप भी बकवास बंद करो अपनी। और मिनट दो मिनट के लिए बैठो यहाँ पे। जाओ कसर, जाकर मियाँ जी को बुलाकर लाओ, जाओ। रुक, मियाँ जी नहीं आ सकते, और अगर आ भी जाए तो क्या तोप का गोला मार देंगे मुझे? कमीना, शराबी, ये हुई ना बात। अब भाई हो आप असल मौजू पर। देखो परी पैकर, चले जाओ यहां से, वरना मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी कि सुनकर मर जाओगे तुम। मियाँ जी बैठे बैठे थक जाएंगे, वरना मेरे मुंह से भी ऐसी बात निकलेगी कि सुन के मर जाओगी आप। और आपको चूंकि बातों से मरने का अंदाजा नहीं, इसलिए इतना बड़ा रिस्क ना लो। क्या गुंडागर्दी है भाई, किसी के घर में बगैर इजाजत चले गए और बैठ कर तड़ता शुरू कर दी। बोलो क्यों आयो? बताने आया हूं कि दो दफा शराब पी और दो बार कोठे पर गया हूं। गुड, और कुछ? इन्हीं दोनों बातों की माफी मांगने आया हूं। मुझसे? ऑफ कोर्स। मुझसे क्यों भला? डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ ये कह दो कि माफ किया। अच्छा, तुम हो कौन? एक छोड़ दस कोठों पर जाओ, देसी विलायती सब शराबे पियो, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। चलो शाबाश, उठो यहां से। ये वाला बयान मियाँ जी के सामने दे दो, मियाँ जी मिनट में उठ के खड़े हो जाएंगे, मेरी भी जान खलासी होगी। मियाँ जी को क्या प्रॉब्लम है? जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए, कहते हैं कि जा जाकर लुबरा बीच से माफी मांग करा, माफी मिल जाएगी तो उठ जाऊंगा, वरना सारी उम्र यहीं बैठा रहूं। तो ये भी मियाँ जी की मेहरबानी है? मेहरबानी नहीं, जिद है उनकी। अब आप बताओ आपकी क्या मर्जी, मैं माफी मिले बगैर यहां से जाने वाला नहीं। देखो परी पैकर, जाने मन जाने जिगर, और परी पैकर जाने मन जाने जिगर, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, और अगर जानती हूं तो सिर्फ इतना कि 2% के बेशरम गुंडे हो तुम, जिसे शक हो गया है कि लुबना हमीद जैसी कोई लड़की उसके कॉलो फेल की जिम्मेदार है। और रही बात मियाँ जी की, तो जिस दिन मुझे यह पता चला कि शामें अब आपकी शराब खानों में गुजरती हैं और रातें आपकी कोठी खानों में, तो सुनकर बहुत खुश हुई थी। गुंडे जिस मिट्टी से बनते हैं, उस मिट्टी से तवाइफ के बदन की खुशबू आती है। खुशबू आपकी दिलजोई के लिए कह रही हूं। जाओ कौसर, जाकर मियाँ जी को बुलाकर लाओ, बोलो कि गुंडा बदतमीजी कर रहा है। मियाँ जी के सामने जाके झूठा बयान दे दो, कहो कि मैंने माफी मांगी, आपने माफ कर दी,
اس کے بعد میں کافر ہوں اگر آپ کی گلی میں بھی پیر رکھوں. لیداس پہلے تو طوائف کو محبت نہیں ہوتی, ہو جائے تو وہ محبت نہیں کرتی, دل مراد پوجا کرتی ہے. تم اس پری پیکر سے نہ ڈرو, اس بات سے ڈرو کہ محبت اب ہوا ہی چاہتی ہے. میں اس بالا خانے کی چھت سے کود کے مر جاؤں گا بوا. دیوانہ, اسے روکو بوا, اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکو. وہ میری سانسوں پہ پیر رکھ کے چل رہی ہے. تو اپنی سانسیں روکو, محبت کا موہ جلال الدین اکبر نہ روک پایا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ناچنے کا وقت نہیں ہے پنا. میں خود سے کہا ناچ رہی ہوں دل مراد, یہ تو کوئی نچا رہا ہے مجھے. طوائف کو محبت ہو گئی, جی بھر کے دیکھ لو اسے, بعد میں پھر دیکھا نہیں جائے گا. وہ آ رہے میاں جی. لیداس, ربنا حمید کے ہاتھ میں آتا اس کا. میں آپ کے سامنے قسم کھا کر کہنے آئی ہوں میاں جی, میرا اس گھٹیا آدمی کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. اور معافی تو آپ اس کو دیتے ہیں نا جس کے گناہوں سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہو. تم اسے اس بات کی بھی قسم لے لو, یہ شراب پی ہے کوٹھے پر جائے یا کوٹھے پہ رات گزار آئے, مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوتی.
ना मियाँ जी। मियाँ जी उठिए प्लीज प्लीज। माफी देने वाले का रुतबा याद नहीं तो माफी मांगने वाला अपनी जात तो देखे। ना जाओ परी पैकर साहब, आज ना जाओ। आज तो जाना ही बड़ा जरूरी है। और फिर क्यों ना जाऊं? यहां भी होता है कि आज आना है और आज नहीं आना। ओ सामने शमा भाई है ना, वहां जाओ परी पैकर साहब, वो बन्ना से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं लेकर जा रहा हूं, कसम से वो बन्ना से भी अच्छा नाचती है। शक्ल खूबसूरत नहीं होती बेवकूफा, दिल खूबसूरत होता है। वरना तो बंदा सबसे सोनी चुने और मर जाए उसके। जाने दे। वो मेरी है परी पैकर साहब, सिर्फ मेरी। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी है? तेरी है मेरे बादशाह। अगर बाई किसी की होती है तो जा फिर तेरी। रुक।
आप जरा जल्दी आ गए। तो उससे भी कहो ना जल्दी आ जा। 9 बजे आएंगी वो। मैं कोठे पर आया हूँ, किसी बैंक में नहीं आया। जा जाके उसे बता, कह के परी पैकर आया। तबले पर सैड सॉन्ग बजा लेते हो खान साहब? जी बजा लेता हूँ जी। बजाओ ना मेरे बादशाह, वेला बैठ के मैं क्या करूंगा और वेले बैठ के आप क्या करोगे? इजाजत है जी। इजाजत से मेरे बादशाह। आज अपनी खुशी से आए हो ना? आज फिर अपने काम से आया हूं। खुशी से कोठे पर सिर्फ तमाशबीन आता बस। क्या सुनाओ? कोई सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग पर नाचा नहीं जाता परिपक। मैं तो नाच लेता हूं, 15.5 साल से सैड सॉन्ग पर नाच रहा हूं। थैया थैया। ठेका लगा उस्ताद जी। जाके बता उसको कि जिसका परी कहकर गाना सुने किसी भाई के कोठे पर चला जाए उसका कोई रुतबा नहीं होता। शक्ल से तो लग रहा है खुश नहीं है। फिर कोठे पर चला गया है। देख वारिस अली, जितनी उसकी इंसल्ट हुई है ना उसका कोठे पर जाना पड़ता है। क्यों बनता है कोठे पर जाना? पीर मक्की क्यों नहीं जाता? दाता साहब जाके दुआ क्यों नहीं करता? मशहूर की जुत्ती खाकर दाता साहब नहीं जाया जाता। वहां जाके बंदा दुआ करता है कि जो खो गया मिल जाए, तो जो नहीं मानता मान जाए। जुत्ती खाकर जाए तो क्या बताए जाके? जुत्ती खाए तो बंदा वैसे भी अपने आप को मैला मैला सा महसूस करने लगता है। तो मैला वही जाएगा ना जहां मैल चढ़े तो नजर नहीं आती। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। बैठ जा आराम से। खबरदार जो कोठे पर पैर रखा तो। हाँ वो बर्बाद हो जाएगा खाना खराबा, मेरे मुंह पर कालक मल देगा। गुस्से में उसको परी याद रहती है ना अपना पैकर। जाना है तो उसके पास जा जो आशिक उसकी जात का ताना देकर गई है। जाके बता उसको
कि जिसका परी पैकर गाना सुने किसी भाई के कोठे पर चला जाए उसका कोई रुतबा नहीं होता। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं। वो आज रात फिर ना आया तो कल सवेरे आ जाएगा। ऐ सिखों वाली बातें ना कर, कोठे पर गुजारी हुई रात का हिसाब देना पड़ता है। किसको देना है हिसाब? उसको? उसको तो ये ही नहीं पता कि दो जमा दो चार होते हैं और तीन पर कोई रात ही नहीं होता। वो लुबना हमीद है बेवकूफा, हिसाब में फेल भी हो जाए तो अपने पांच लिख के बैठी रहेगी। मियाँ जी ठीक कह रहे हैं। मियाँ जी तवाइफें सुना है बहुत खूबसूरत होती और अदाएं उनकी चेहरों से भी खूबसूरत। ये तवाइफें भी क्या औरत होती हैं? नहीं ना, मियाँ जी कहते हैं औरतों में तवाइफें होती हैं, तवाइफ में औरत नहीं होती। मतलब तवाइफ किसी औरत का नाम नहीं है, मर्द की सहूलत को कहते हैं तवाइफ। खाना खाओ। पता है मर्द और औरत में एक सादा फर्क क्या है? औरत के पास इनकार करने की काबिलियत होती है, जिस औरत के पास इनकार करने की काबिलियत नहीं होती वो होती है तबाही। चाहे वो मुझ ना करे ना करे। इस तरह का नहीं है लुबना जी, वो उनमें से है जो इनकार कर देते हैं। और चल, मेरी खातिर एक टका ना देना इस कमीने को, खा पी के डकार देगा। और मुझे इस घर की मलकियत में एक रुपए का हिस्सा नहीं चाहिए। लो जी, इसका भाई तो लग गया खुटेल। शराबे पीता है आजकल, बाई के कोठे पे जाके गाना भी सुनता है। परसों वहां सारी रात गुजार के आया था। तुम परी पैकर की बात कर रहे हो? नहीं, चीमे हलवाई की बात कर रहा हूं। उस दिन पीकर आया था तो बड़ी फेंटी लगाई थी उसने रंगों को। अब फेंटी लगाई नहीं थी, मैंने खुद खाई थी। चेक कर रहा था कि बंदा पी के कितना बगैरत हो जाता है, मतलब मैंने वहीं पे हाथ उठा दिया। तो मियाँ जी ने उसे कुछ नहीं कहा? अरे उसने क्या कहना है, वो तो खुद देवानंद बन के लगा फिरता है। लो भी बड़ा ही दो नंबर बाबा है भाई। उसने कहा था बड़ा बिस्त करके गई है उसको। अब बस जीजा जी, आप 20 लाख निकालो, इस मोहल्ले पे कब्जा होने वाला मेरा। 20 लाख कब्जा? स्वीटी क्या कह रहा है ये? अरे क्या कह रहा है, जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रहा है। कोई कारोबार करेगा ना। इसका जायदाद में से कौन सा हिस्सा? अरे इसका नहीं तो उसका तो है, उसको मिलेगा तो वो इसी को देगी ना। स्वीटी ये तुम मेरे जीते जी कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे मरने के बाद तो हमें एक टका भी नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी में ही कुछ ले जाओ, वरना तुम्हारा क्या पता, कल भरे तो परसों दूसरा दिन।
खबरदार किसी ने जायदाद में से हिस्सा मांगा तो। ये खबरदार किसको कहा है तुमने? मारुख को। अरे पहली बार तो उसने कोई अच्छी बात की है, आज तो इनकार मत करो। उसने कौन सी बात की? वो तो चुप खड़ी सुन रही थी। आज नहीं की तो कल परसों डायरेक्ट करेगी बात। मैं हूं ना, मैंने बता दिया उसको कि मेरा कारोबार रुका हुआ है, 20 लाख मिलेंगे तो चलेगा। कौन सा कारोबार? अब पैसे रखो मेरी तली पे जीजा जी, बहुत इन्वेस्टिगेशन ना करो। कौन से पैसे? लुक एट हिम। अरे इस घर की कीमत लगवाई थी ना 60 से 70 लाख होगी, उसमें से मारू का हिस्सा 20 लाख बनता है ना, तो वो उसको मिलेगा तो वो इसी को देगी ना। हाँ। दे दो बेचारे को, किसी काम पर लग जाएगा। मैं ये घर नहीं बेचूंगा। अरे तो किसने कहा है घर बेचो, 20 लाख निकाल कर इसकी हथेली पर रख दो बस, और क्या। कहां से निकाल के? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपए थे, पड़े थे मेरे अकाउंट में, लेकिन अब 12 लाख है, स्टोर भी ठीक तरह से नहीं चल रहा। और 12 लाख तो पड़े हैं ना, उसमें से दे दो 10 लाख और बाकी 10 ऐसा ऐसा करके दे देना। ये नहीं हो सकता। ओ क्यों नहीं हो सकता? पैसे ना बचाओ फरमान अली, रिश्ते बचाओ। और मुझे बचाओ, और मैंने परी पैकर के महल पर कब्जा करना है। बैठकर ख्वाब ना देखो, परी पैकर से बच गए तो काम ही मार डालेगा तुम्हें। मुझे डराओ ना चीचा जी, मुझे समझाओ। समझने की बातें ना करो, पहले जो 2 लाख दिया है उसका कुछ करके दिखाओ, फिर जरूरत पड़ी तो फिर पैसे दूंगा। मेरी खातिर एक टका ना देना इस कमीले को, खा पी के डकार देगा, और मुझे इस घर की मलकियत में 1 रुपए का हिस्सा नहीं चाहिए। इसके बाद जिसको जो करना है कर ले। ये पन्ना भाई का कोठा कहाँ है? मेरा मुंह ना देख, मैं मुजरा सुनने नहीं आया, एक तमाशबीन को अरेस्ट करने आया हूं। पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो हथेली पे चुने रहते हैं, मुझ पे उतरे मेरे अलहाम की बारिश बन कर। मिया जी से कहा था मुझे साथ ले जाओ, भाई के कोठे पर पड़ा है, पता नहीं आए ना आए। अरे घबरा ना, वो ना आया ना तो मिया जी भाई को साथ ले आएंगे, फिर वहां बैठ के क्या छज जाएगा। मिया जी को मिनट में उस पर तरस भी आ जाता है। अरे अब नहीं आता तरस,
अभी देखना जुतियों की आवाज से आमद होनी है उसकी। चल चा बनवा। फिर चा हंस रही है मुझ पर। चंडीगढ़ में 12 बजे तक सो जाता हूं मैं, और यहां वो कमीना अगले 12 बजे तक जगाए रखता है। आया है कि नहीं? समझाया था कि ना आ जा, अब पता नहीं कि खुद भी बैठ जाए उसके साथ। ये कैसे हो सकता है? ओए तू उसको नहीं जानती कुड़िए, वो कमीना चंडीगढ़ का नामी ग्रामी लफंडर था। इस बात से डर कि आज रात कहीं वो भी ना आए, और जब वो आए तो आकर कह दे कि गाना बहुत अच्छा गाती है। उसका तो पता कर कि वो किस हाल में है। लुबना हमीद, जाऊं? बल्कि बहाने से उसको साथ ही ले आ। कमीने को उसके सामने जूतियां पड़ेगी ना तो कलेजा ठंडा हो जाएगा उसका। ट्राई करती हूँ। पर वो नहीं आएगी मियाँ जी, मैं जानती हूँ उसे। तू ट्राई तो कर, ना आई तो कम से कम ये नहीं कहेगी कि सटानी दिया था। मुझे घर तक छोड़ा। मियाँ जी ने एक भी चपेट मारी हो इसके मुंह पर, सीधी सीधी डंडी मारते हैं मियाँ जी। मियाँ जी वारस अली, जाने मन जाने जिगर। जब हम मार ले तो कमीना छुड़ा तो नहीं सकता। इम्पॉसिबल। तो मार ले जफा।
फ्रंट पे आके मियाँ जी बात करेंगे। छोड़ मुझे। जी साहब, कोठे से तशरीफ लाए हैं, थोड़ी बहुत इज्जत तो करा लें। अब बिल्लू रस्सी निकाल। मुझे ना दे बांध उसको। चलो तुम भी इसकी मदद करो। मिया जी। हाजी साहब के हाथ पैर बांध कर ले जाओ इनको। अब सो जाओ पन्ना। वही सोच रही हूँ बुआ, ये पल गुजर जाए तो सो जाओ। सो जाओगी तो गुजर जाएगा। डर लग रहा है बुआ। बहुत डर लग रहा है। फजर हो जाए तो नमाज पढ़ना, उतर जाएगा डर। फजर पढ़ूंगी तो कल आएगा वो? ना भी आया तो कोई कयामत नहीं आएगी। तुम नमाज पढ़ो और दुआ करो कि अब वो कभी ना आए। तो ये कहो ना, नमाज पढ़ो अपने मरने की दुआ करो। मोहब्बत ना करो पन्ना। मोहब्बत के मजहब में तवाइफ पर फतवा है मेरी जान। कहते हैं मोहब्बत पर तवाइफ हराम है और तवाइफ पर मोहब्बत। चुने रहते